सो गाइस, अगर आपके पास में सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के मोबाइल है और आपको उसमें ओटीजी को लेकर प्रॉब्लम है, मतलब ओटीजी सपोर्ट नहीं करता है, या फिर अगर ओटीजी सपोर्ट करता है तो आपको किस तरह से ओटीजी का उसमें यूज करना है, फाइल कैसे ट्रांसफर करना है, ये अगर आपको पता नहीं है, या फिर आपको ये चेकआउट करना है कि आपके जो सैमसंग मोबाइल है वो क्या यूएसबी ओटीजी कंपेटिबल है या नहीं, तो इन सारे जितने भी जो दोस्तों क्वेरीज है, इन सारे क्वेरीज के जो आंसर है आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ तौकीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऐप हाउस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कैसे पता करेंगे कि आपका जो मोबाइल है, फिर चाहे सैमसंग का हो या किसी भी कंपनी का, वो क्या ओटीजी सपोर्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर के ऊपर आपको जाना है और प्ले स्टोर पे आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और जस्ट डाउनलोड करके आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना है, तो यह खुद ही ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि क्या आपका मोबाइल ओटीजी सपोर्ट करता है या नहीं। अब एक बार आपको यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया है कि अगर आपका मोबाइल ओटीजी सपोर्ट करता है, तो फिर आपको ओटीजी किस तरह से कनेक्ट करना है, किस तरह से आपको फाइल ट्रांसफर करना है, ये सारी प्रोसेस मैं चलिए आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे सैमसंग का M21 न्यू एडिशन सीरीज का मोबाइल है और खास करके ये जो प्रॉब्लम आती है सैमसंग के मोबाइल में आती है। दोस्तों, मुझे खुद को इस मोबाइल को लेने को 6 महीने हो गए थे और उसके अभी तक के दोस्तों मुझे इसका ओटीजी नहीं मिल रहा था। फिर मैंने दोस्तों मार्केट से सैमसंग कंपनी का एक ओटीजी बाय किया और ये ओटीजी इस मोबाइल में सपोर्ट कर रहा है। किस तरह से फाइल वगैरह ट्रांसफर करना है सारी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में यहाँ पर ये एक यूएसबी कनेक्टर है और ये सैमसंग कंपनी का है, क्योंकि मेरे पास सैमसंग M21 न्यू एडिशन सीरीज का मोबाइल है। तो ये मार्केट से मैंने बाय किया और इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों ये 80 रुपये है। और साथ ही साथ में यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक ये पेन ड्राइव है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस यूएसबी कनेक्टर को अपने सैमसंग M21 के मोबाइल में कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको सारी जो प्रोसेस है वो समझाता हूँ, किस तरह से आपको फाइल ट्रांसफ़र करना है और क्या चीज़ें करना है। अगर आपके पास में भी सैमसंग सीरीज के मोबाइल है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास है। इस तरह का आप एक यूएसबी कनेक्टर मार्केट से खरीद लीजिए। सो गाइज, यूएसबी कनेक्टर और पेन ड्राइव कनेक्ट करने के बाद में आपको सैमसंग के मोबाइल में यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन में कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, यूएसबी स्टोरेज एडेड, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपका जो यूएसबी स्टोरेज है, मतलब जो पेन ड्राइव है, उसमें के फोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा एनालिसिस आपको दिखेगा। यहाँ पे आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसबी स्टोरेज यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, आपको किस तरह से फाइल को जो है वो इंटरनल स्टोरेज से यूएसबी के अंदर मूव करना है या यूएसबी से इंटरनल में किस तरह से आप मूव कर सकते हैं उसके मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, मैं यूएसबी स्टोरेज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मैं व्हाट्सएप इमेजेस का फोल्डर ओपन करता हूँ और यहाँ से दोस्तों कोई भी एक इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो इस तरह से इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आप चाहे तो इसका कॉपी भी कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में फिर से हमको यहाँ पे इस आइकॉन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में दोस्तों हमको इंटरनल स्टोरेज पे जाना है और इंटरनल स्टोरेज में जाने के बाद में आपको यहाँ पे कॉपी हियर पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि वो जो इमेज है वो पेन ड्राइव से इंटरनल स्टोरेज के अंदर दोस्तों आ गई है, कॉपी हो गई है। उसी तरह से अगर आपको इंटरनल स्टोरेज से कोई दोस्तों वीडियो या फाइल या इमेज आपको पेन ड्राइव में अगर कॉपी करना है या मूव करना है, तो उसके लिए फिर आपको इंटरनल स्टोरेज में जाना है। और यहाँ से मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से दोस्तों एक इमेज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को इस तरह सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फिर से इस ऑप्शन पे हमको यहाँ क्लिक करना है, अब यूएसबी स्टोरेज पे क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी हियर कर देना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो इमेज है यहाँ पर ये कॉपी हो चुकी है। तो इस तरह से तो चाहे तो आप कॉपी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे आपका जो यूएसबी स्टोरेज जो है तो उसको आपको अगर रिमूव करना है, अनमाउंट करना है, तो उसके लिए आपको इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा हूँ आपको अनमाउंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका जो यूएसबी स्टोरेज है जो आपने पेन ड्राइव अटैच किया है वो अनमाउंट हो जाएगा और यहाँ से उसका जो नोटिफिकेशन में से सिम्बॉल भी जो है वो गायब। तो बड़ी आसानी से दोस्तों आप यहाँ पर सैमसंग एम सीरीज के गैलेक्सी एम सीरीज के मोबाइल के अंदर यूएसबी ओटीजी का यूज़ करके फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।